जी सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि वैभव जो है फाइनली अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा है और ईशा इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर ऑफ हर्स। श्रेया ये पानी पियो। थैंक यू। बाकी सीधा लग रहा है मुझे अभी जो सीन आप दोनों कर रहे थे बहुत अपोजिट लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे सीन के? सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि वैभव जो है फाइनली अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा है और ईशा इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ब्राइट फ्यूचर ऑफ हर्स। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं, मेरी इवेंट कंपनी है तो मैं एक एंगेजमेंट है जो मैं पूरा मैं डेकोरेट कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपनी भी एंगेजमेंट कर रहा हूँ। मारवाड़ी हूँ ना तो मैं सोच इनको बहुत पैसा मिल रहा है, ईशा इज़ पेइंग हर हेफ्टी अमाउंट, तो मैं सोच रहा हूँ कि मारवाड़ी हूँ तो भाई क्यों ना मैं इनके एंगेजमेंट के साथ साथ मैं अपनी भी कर लूँ। तो बस ये जो आपने प्रपोजल रखा था प्यार का, फिर कहीं ना कहीं देख रहे कि पाजा उल्टा ही हो गया है, क्या कहें? वो पाजा उल्टा हुआ है बस, पर वो थोड़ी देर के लिए हुआ है। वो एक्चुअली एक ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ पे वो कहती है, श्रेया मुझे आके कहती है कि अभिराज मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अभिराज का दिल टूट जाता है, बट वो एक सपना होता है, हकीकत में कुछ और ही होता है, जो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। आपको भी कुछ कहा सर ने अभी इन द सीन में? हाँ वो कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बहक गया था, फिर उसको रियलाइज हुआ कि कितना ब्राइट फ्यूचर उसके सामने उसका वेट कर रहा है, तो हम लोगों से अपने आप लाइन अच्छा पार्टनर को मिल नहीं सकता। आपको लगता है कि ईशा से अच्छा पार्टनर मिलेगा वैभव को? नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ट्विस्ट यही आने वाला है कि अब शादी होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि अभी फिलहाल तो एंगेजमेंट हो रही है, तो ये एक ट्विस्ट है जो भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये, तो इस ट्विस्ट के लिए तो मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ स्क्रीन प्ले का कि भाई क्या होने वाला है। मुझे खुद को ही नहीं पता कि क्या मेरी शादी होगी या नहीं होगी, वैसे असली में तो मैं कवा रहा हूँ, आई एम सिंगल, तो लेट्स सी क्या होता है। बस यही कि ट्विस्ट ऑफ कोर्स है और बिना ट्विस्ट के, बिना इंटरेस्टिंग प्लॉट के स्टोरी का मजा ही नहीं है, तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बट एज यूजुअल ईशा क्योंकि हार नहीं मानती है, तो आई एम श्योर ईशा ये बैटल भी जरूर जीत जाएगी।